तहसील में बड़े पैमाने पर चल रहा है अवैध मोहरम का खनन और अवैध रेत का कारोबार। जिम्मेदारों का इस ओर नहीं है कोई भी ध्यान। नाराज ग्रामीणों ने सौंपा आज ज्ञापन। उज्जैन जिले के घटिया तहसील में आजामपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र और आसपास कई जगह शासकीय जमीन और शासकीय पहाड़ी क्षेत्र और नदियों में रेत खनन निकालने का काम और अवैध रेत बेचने का काम बेखौफ निडर होकर किया जा रहा है। साथ ही बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन भी किया जा रहा है, जहां पर खदान व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के लिए जितनी खदान शासन के द्वारा दी गई है उससे भी ज्यादा जगह खुदाई की गई है और खुदाई करके मोहरम मलबा बेच दिया गया है। ग्रामीणों ने लिखित में शिकायत की और समस्या से अवगत करवाया और बढ़ते हुए अवैध खनन और अवैध रेत के कारोबार की लिखित में शिकायत की और समस्या बताई, पर अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों ने न तो ध्यान दिया और न ही निरीक्षण किया और न ही कोई प्रभावी कार्यवाही अभी तक की गई है। किस प्रकार से कहां पर ये खनन किया जा रहा है और क्या समस्याएं खड़ी हो रही हैं और क्या हो रहा है? ये भवानी माता मंदिर है आजमपुरा और गोंसा के मध्य में, बहुत पौराणिक मंदिर है। जैसे मैहर वाली माता, सलकनपुर वाली माता, इस प्रकार बहुत पौराणिक मंदिर है। इस पर विक्रम पर्व महाराज विक्रमादित्य के नाम से विक्रम पर्वत प्रसिद्ध है, बहुत पौराणिक है। इसको अधिकारियों और नेताओं के संरक्षण में भूमाफियाओं द्वारा खोदा जा रहा है। कई बार शिकायत कर चुके हैं, जनता परेशान है, आसपास के गाँव के लोग, इन्होंने विरोध भी किया, पहले भी विरोध किया है, लेकिन जनता की आवाज़ दबाई गई। बड़ा दुखद आश्चर्य है कि अंग्रेजों के ज़माने में इतना दमन नहीं हुआ, इतना शोषण नहीं हुआ जनता का, जो आज वर्तमान में हो रहा है। ठीक बताइए, किस प्रकार से आचार ज्ञापन सौंपा गया है, किस प्रकार से कार्रवाई होना चाहिए और क्या है? सर, आजमपुरा पर सुनिए, एक माता जी का मंदिर है भवानी माता का, वहाँ पुराने एक धर्म के आधार पर, मतलब पुराणों में भी विक्रम पर्वत का उल्लेख है और वो धार्मिक धरोहर है और उसी धरोहर को मतलब मिटाने या खोदने का काम जारी लगातार चल रहा, जबकि अवैध है। कहीं पूर्व में किसी सियासत के चक्कर में या कहीं विकास निर्माण में लिए कहीं किसी ने खोद ली होगी, बस उसी के आड़ में आज तक खनन होने जा रहा है। उस पहाड़ को नेस्त टेस्ट कर दिया, इसलिए हमने कलेक्टर ने आपसे पहले भी आवेदन किया और अभी भी हमने किया है। यही हमारी प्रशासन से। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।